टाइम के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल, प्रस्तुत है आज के समाचार। नई सरकार के गठन के बाद आज नीति आयोग की पहली बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हो रहे हैं, लेकिन बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक संघर्ष के बीच खूनी हिंसा की बढ़ती वारदातों पर केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर की है। गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से पूछा है कि उसने बढ़ती हिंसा पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। साथ ही गृह मंत्रालय से राज्य सरकार से एडवाइजरी भी जारी की है। एसीबी का आधिकारिक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल करने पर जेके बैंक प्रबंधक ने अपने दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। जेके बैंक में हुई फर्जीवाड़ा की जांच कर रही एसीबी की टीम ने कुछ दिन पहले बैंक को एक आधिकारिक पत्र लिखा था। एसीबी की शिकायत के आधार पर बैंक प्रबंधक ने मामले की जांच की है और इस मामले में असिस्टेंट और वाइस प्रेसिडेंट एचआर इम्तियाज अहमद खान और एग्जीक्यूटिव एचआर जाहिद को निलंबित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के समर्थन में शनिवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू और इसके सहायक अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। यही नहीं, फैकल्टी सदस्यों ने भी सुबह 10 से 11 बजे तक अपना कामकाज बंद रखा, जिसके एक घंटे तक मेडिकल कॉलेज अस्पताल और इसके सहायक सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रही। वहीं रूटीन में होने वाले ऑपरेशन भी आज नहीं हुए हैं। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले ने साबित कर दिया है कि पुलवामा कांड के बाद जैश ए मोहम्मद पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घाटी में सक्रिय अधिकांश कमांडरों के मारे जाने से उसमें आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन के साथ नापाक गठजोड़ किया है। यानी बंदूक और निशाना जैश का होगा और जिम्मेदारी लेगा अल उमर मुजाहिदीन। वहीं सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में हुए हमले के बाद दक्षिण कश्मीर में अपने आतंकरोधी अभियानों की तेजी लाते हुए काकपुरा पुलवामा में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्रा सन एंटरप्राइजेस, रेजिडेंसी रोड जम्मू, कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब कमिटेड टू प्रूव क्वालिटी पेशेंट केयर एंड डायग्नोसिस अंडर वन रूफ, 51/9 त्रिकुटा नगर नियर पुलिस स्टेशन, पूरी एक्सक्लूसिव वुमेन डिजाइनर सूट साड़ीज लहंगाज एंड ब्राइडल गाउन्स, गणेश दया नर्सिंग होम तलापतिलो रोड बिहाइंड पेट्रोल पंप पक्का गराट जम्मू, ट्रेंड्स टॉयज विजिट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टॉयज फॉर ऑल एज ग्रुप, संजय नगर जम्मू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लद्दाख की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेना ने खराब मौसम के कारण फंस गए 81 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया है। ये पर्यटक प्रतापपुर तुर्क गांव के बीच फंसे हुए भूस्खलन से फंस गए थे। भूस्खलन के बारे में जानकारी मिलते ही सेना की सियाचिन ब्रिगेड ने हरकत में आकर पर्यटकों को बचाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने सेना का आभार जताने के लिए उनके साथ भूमिका की सराहना भी की। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से चल रही पत्थर तोड़ने वाली 26 इकाइयों को बंद करा दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। जिला उपायुक्त विकास कुंडल ने आदेश दिया था कि केरिया गदियाल गांव के निकट चल रहे इन कारखानों को बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने ट्रकों को घाटी की तरफ जाने पर दिन भर प्रतिबंध लगा रखा है। दो दिन से ट्रक उधमपुर में रोक कर रखे गए हैं। सुविधाएं न मिलने के कारण चालक व सहचालक हर रोज परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सेना ने जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सेंटर में पूर्व सैनिकों के लिए रैली का आयोजन किया। इस रैली का उद्देश्य सेना द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर जागरूक करना था। इस रैली में करीब 700 पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों ने हिस्सेदारी ली। जम्मू क्लस्टर विश्वविद्यालय में दाखिला की प्रक्रिया 27 जून से शुरू हो जाएगी। 24 जून को मेरिट सूची जारी की जाएगी। इसके बाद काउंसलिंग के जरिए छात्रों को विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में दाखिला दिया जाएगा। सीमावर्ती गांव नोकवाल में स्थित नाले में पूर्व सैनिक खजान सिंह का संदिग्ध परिस्थितियों में खून से सना शव मिलने की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। परिवार वालों और उसके आसपास के लोगों में रोष बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले की हकीकत सामने लाने की मांग को उठाने के लिए 3 पंचायत के सरपंचों और पंचों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के उड़ी सेक्टर की LOC से सटे लिम्बर इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सभी हाल ही में आतंकी संगठन में शामिल हुए हैं। सभी सीमा पार जाने की फिराक में थे। एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें नए बढ़ती हुए एक ग्रुप के बारे में विशेष इनपुट मिला था। 4 न्यूली रिक्रूटेड यूथ हैव बीन ब्रॉट बैक एंड आर बीइंग रीयूनाइटेड विद देयर फैमिलीज टुडे। They were recruited in the last few days and were being prepared for terrorist activities. Influenced by the false narrative and the rhetoric created by anti-national elements,
These four boys, aged between 17 and 21 years, were lured with money and warlike stores. After we learnt about their recruitment, we launched synergized and concerted efforts to apprehend them. Since all of them are young boys, we decided to exercise due caution. मजालता पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ट्रक व चालक व सहचालक को नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों पंजाब की ओर से श्रीनगर की तरफ नशीली दवाइयों की खेप लेकर जा रहे थे, लेकिन बटल पुलिस नाके पर तैनात जवानों ने उन्हें दबोच लिया। वहीं इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। तहसील भंबाग के गांव हरकोट में आग लगने के कारण मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया है। दूर दराज का इलाका होने के कारण आग बुझाने के कोई उचित प्रबंध नहीं हो सके। पीड़ित परिवार का कीमती सामान समेत कई अन्य जरूरी चीजें भी जलकर राख हो गई हैं। ब्लॉक बलवार ब्राह्मणा की पंचायत जड़ भक्ता में शनिवार को पंचायत सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के विकास के लिए रणनीति बनाई गई। सरपंच देशराज भगत के नेतृत्व में हुई पंचायत सभा में पंचों के अलावा पंचायत सेक्रेटरी भी उपस्थित रहे। जिले के चकदाबाग क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए करीब 20 मिनट तक गोले दागे। शुक्रवार देर रात सेना के अग्रिम चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी की गई, जिसका सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और J&K बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध आज केस रजिस्टर किया। आज विश्व बुजुर्ग जागरूकता दिवस है। हमारे संघ और परिवार उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता पैदा करने और बड़ों की मदद करने के लिए हमें भी कुछ सोचना चाहिए। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। जय हिंद, जय भारत।